आज हम लोग आए हैं कृष्णा नदी के तट में बसा आंध्र प्रदेश का एक मुख्य शहर विजयवाड़ा में। यहाँ आने के पीछे हम लोग का आज एक ही मकसद है और वो है यहाँ के खानों को चखना। आंध्र प्रदेश का खाना मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है, मसालेदार और बहुत ही लजीज खाना मिलता है इस राज्य में। और विजयवाड़ा में ऐसी दो खानों की चीजों की खबर मुझे मिली जो काफी अनोखी है और उन्हीं दो चीजों का जायका लेने आज यहाँ आना हुआ। आज पहली खाने की जगह है SSS इडली, जो विजयवाड़ा के बेन स्क्वायर इलाके में स्थित है। ये कोई आम इडली नहीं है। दुकान के सामने भीड़ देखते ही शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि SSS इडली की पॉपुलरिटी कितनी है। इस दुकान में सिर्फ और सिर्फ इडली खाने को मिलता है और उसे खाने के लिए इतने लोगों की भीड़। यहाँ खाने के लिए बाहर लाइन लगाना पड़ता है, 15 से 20 मिनट मिनिमम वेटिंग टाइम होता है। लाइन में हम लोगों का नाम लिखवा दिए और जब तक बुलावा ना आए तब तक सामने ही मायलापुर कॉफी हाउस में फिल्टर कॉफी का मजा ले लिए। मायलापुर चेन्नई की एक बहुत ही फेमस जगह है जो मंदिर, ज्वेलरी और खान पान के लिए प्रसिद्ध है। उसी मायलापुर के नाम पे है यह कॉफी हाउस। ऐसे ही फिल्टर कॉफी की तरफ मेरी कमजोरी हर वक्त रहती है, इसलिए उसे चखना मेरे लिए एक प्रायोरिटी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया फिल्टर कॉफी पिलाई मायलापुर कॉफी हाउस ने। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद दाखिला मिला SSS इडली का। दुकान हर वक्त भरी रहती है और यहाँ भरे पैमाने में इडली बनते हुए नजर आए। चलिए देखते हैं क्या खासियत है यहाँ की इडली में। एक प्लेट इडली में 3 इडलियां दिया जाते हैं और साथ में आपको एक घी का पाउच भी दिया जाता है। यहाँ इडली के साथ सांबार परोसा नहीं जाता है, बदले में एक पोड़ी जो एक बहुत ही लजीज मसालों का पाउडर है और साथ में एक हरे रंग की चटनी जिसका स्वाद भी काफी अनोखा है। ये दोनों चीजें परोसी जाती है। इडलियाँ काफी नरम और पतले हैं, शेप में भी काफी अनोखे हैं क्योंकि ये इडलियाँ स्क्वायर शेप के होते हैं। इडली घी पोड़ी और हरी चटनी के साथ कन्वेंशनल सफेद चटनी भी दी जाती है। अब है खाने की बारी। इडली के ऊपर पहले में घी फैला दिया,
इडली का पहला निवाला मैं बनाया उसके साथ हरी चटनी और पोरी मिलाकर। क्या बताएं, इसका स्वाद ही कुछ अलग है। बाद में इडली के साथ पोरी और सफेद चटनी मिला के खाया। सफेद चटनी का स्वाद भी कन्वेंशनल चटनी से काफी अलग है, बहुत ही बढ़िया स्वाद। इडली इतना नरम है कि मुंह में डालने से ही मुंह के अंदर गल रहा है, उसे चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इडली का खुद का स्वाद तो अच्छा है ही, उसके साथ घी मिलाकर और चटनी पोरी मिलाकर जब एक निवाला मुंह में डाला जा रहा है तब मुंह के अंदर क्या मैजिक चल रही है, ये बातों से बयां करना काफी मुश्किल है। विजयवाड़ा में SSS इडली में आना मुझे सार्थक महसूस हुआ और ये बात समझ में आ गई कि लोग यहाँ क्यों पागलों की तरह धूप में खड़े होकर लाइन देकर इडली खाने आते हैं। हमारी तरफ से SSS इडली एक मस्ट ट्राई फूड जॉइंट है। SSS इडली से हम लोग निकल पड़े विजयवाड़ा के कोठापेट इलाके की तरफ। यहाँ हम लोग जा रहे न्यू गुलाब रेस्टोरेंट पर। सुने हैं यहाँ मटन और चिकन की बहुत किस्म की आइटम्स मिलती है और वो सब आइटम्स स्वाद में एक से बढ़कर एक तो है ही, पर वो सब पड़ोसी जाती है खिचड़ी के साथ। ये बात मुझे बहुत अनोखी लगी। चलिए जायका लेते हैं खानों का इस दुकान पर और एक एक करके सब आइटमों को चख कर इस पिनान से आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी आइटम कैसी है और क्या है और यहाँ की खिचड़ी के साथ ये सब नॉनवेज खाना खाने में हम लोगों को कैसा लगा। ये हम लोग खिचड़ी लिए हैं यहाँ पे। ये खिचड़ी दाल की खिचड़ी नहीं है, इसमें चावल है और कुछ मसाले हैं, इसमें मसाला मिलाया गया है और इसके साथ इतने सारे आइटम्स लिए हैं जैसे कि यहाँ पे ये चिकन फ्राई है, ये कॉम्प्लीमेंटरी है, इसके साथ आता है। उसके साथ हम लोग लिए हैं चिकन विंग्स, ये है मटन रोस्ट, ये मटन पाया और ये मटन कोरमा। और कॉम्प्लीमेंटरी के तौर पे इसके साथ इसको दिया जाता है, इसको खट्टा बोलते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे कि मटन का जो फैट होता है उसके साथ दाल मिला के और कुछ सब्जियाँ रहती है इसमें। और इसके साथ ये चटनी है, ये पुदीने की चटनी है और ये गोंगुरा चटनी है। गोंगुरा चटनी मतलब आंध्र प्रदेश की ये फेमस है, गोंगुरा लीप से बनता है ये। ये देखिए, तो अभी जो है पुलाव जो है इसको खिचड़ी बोला जाता है। एक एक करके आइटम के साथ हम लोग देखेंगे कैसा है खाने में। पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी चटनी ले लेते हैं। और ये गोंगुरा चटनी भी लेते हैं इसके साथ। ये दाल है, इसके अंदर मटन फैट है, इसमें सब्जियां भी डाली गई है, लौकी है ये और करी पत्ता भी है इसमें। और ये लेते हैं फैट है और टेस्ट करेंगे पहले चिकन फ्राई के साथ। चिकन रोस्ट बोला जाता है इसको, डीप फ्राइड चिकन है और कुछ नहीं। काफी टेस्टी है। ये बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी है, अंदर देखिए काफी जूसी है। थोड़ी सी चटनी लेते हैं। थोड़ा सा खट्टापन है और मीट लीफ लहर के कारण मीट लीफ का पूरा फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चिकन फ्राई जो है खिचड़ी के साथ इतना ही कॉम्प्लीमेंटरी है। चिकन ये खिचड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंटरी क्या आता है, पहले ये दो चटनी आती है, उसके बाद ये दाल आती है और ये टू पीस चिकन फ्राइज। अब ट्राई करेंगे चिकन विंग्स।
चिकन विंग्स के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ मसाले के साथ कुछ कोटिंग भी डाला गया है, इसलिए जो है कि ये कोटिंग और मसाला इसके ऊपर एकदम अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद इसको डीप फ्राई की गई है। हाँ देखिए कुछ कोटिंग है इसमें, ऐसा है। पहले सिर्फ ये खा के देखते। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। और इसके साथ ये भी ये मिला खाते हैं। अब पहले ट्राई करेंगे मटन रोस्ट। एक छोटा सा पीस लिए। ये टेंडरनेस देखिए, मटन एकदम टेंडर है, काफी समय से इसको भुना गया है लग रहा है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। सब कुछ खाएंगे खिचड़ी के साथ मिला के। हाँ हाँ बहुत ही उम्दा टेस्ट। मैंने थोड़ी सी चटनी ले ली। और इसके साथ मिला के पूरा गल चुका है। बहुत सॉफ्ट है। हाँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही उम्दा टेस्ट। हाँ इसमें करी लीफ है, ये देखिए मसाले के साथ करी लीफ है। करी लीफ भी बहुत क्रिस्पी है, मतलब इसके जो भुना गया है ना काफी देर तक करी लीफ और मसाले डाल के उसको भुना गया है, इसका बढ़िया जायका है। अब ट्राई करेंगे मटन कोरमा, मटन कोरमे को ट्राई करेंगे। एक पीस लेते हैं और ये दिल्ली वाला कोरमा नहीं है, ये साउथ इंडिया का कोरमा है। देखते हैं इसका ग्रेवी, देखिए ग्रेवी थोड़ी सी हल्की है, खा के देखते हैं कैसा है। पहले सिर्फ ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट करें। बहुत ही उम्दा जायका, बहुत लाइट, स्पाइसेस काफी कम है, बहुत ही लाइट टेस्ट है इसका, बट बहुत ही टेस्टी है। ये नल्ली का पीस दिख रहा है, मटन काफी टेंडर है। इंडियन कोरमा इज रिच स्पाइसी स्पाइसी वन, मतलब दिस वन इज रियली नाइस एंड इट इज एक्चुअली लाइट। हां काफी टेंडर है but it's very light, very light, not like the traditional, not like the yes correct, it's not like traditional Mughlai korma. Us chutney dalenge, mujhe thodi si spicy banane se zyada acha lagta hai. मैं और थोड़ा ग्रेवी ले लूंगा इसका और उसके साथ जो गंगूरा चटनी है ना इसको डालेंगे, इसको मिलाएंगे। और थोड़ा सा मटन ले लेता हूँ, ये तीनों मिला के।
लाजवाब से भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो स्ट्यू खाते हैं वो थोड़ा रिच होता है, मतलब ग्रेवी काफी थिक होती है। ये सूप बोलने से बेहतर रहेगा, बहुत ही हल्का बट बहुत ही जायकेदार। अब तो नल्ली खाने की बारी। अब ट्राई करेंगे मटन पाया। ये जो ग्रेवी है देखिए, ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है क्योंकि कोरमे की जो ग्रेवी थी वो काफी हल्की थी। कलर में उतना डिफरेंस नहीं है पर ये थोड़ी सी गाढ़ी है। और पाया के पीस, मुझे ये पीसेस जो है कि काफी जिलेटिनस पीस लग रहा है ना। एक पीस लेते हैं, मच मोर रिच देन द प्रीवियस वन। पाया के जो पीस है इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए काफी जिलेटिनस पीस है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, काफी टेंडर है। और अब ग्रेवी को टेस्ट करेंगे। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। Thank you.